हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगाचार्य इंद्रपाल सैनी। आज मैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट योगासन बताने जा रहा हूँ। यह प्रॉब्लम हर एक मैन की लाइफ में जरूर आती है, कभी किसी ना किसी एज पॉइंट में। एडी आने का मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंसी की तरफ बढ़ गए हैं। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का टाइम भी होता है। तो दोस्तों, इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, आज मैं आपको सिर्फ 5 योगासन के बारे में बताऊँगा, जिन आसनों को आप करके इस ईडी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये 5 योगासन आपकी ईडी की प्रॉब्लम को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को पूर्ण रूप से गायब कर देंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि आपका पेनिस सही रूप से एरिक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये 5 योगा आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन योगा आसन्स को आप ध्यान से देखें और इनको प्रॉपर रूप से आप अपने घर पर ट्राई करें। आइए बढ़ते हैं पहले आसन की ओर। पहले आसन का नाम है धनुरासना। इस प्रकार जमीन पर लेट जाएं और दोनों पैरों को अपने नी से बैंड करके अपने एंकल जॉइंट्स को आपको दोनों हाथों से होल्ड करना है, पकड़ना है और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। फिर धीरे से वापस नीचे, वापस से ट्राई करें। इस आसन को आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। यदि आप बिगनर्स हैं, ज्यादा समय तक आप आसन को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, तो आपको 1-5 काउंट करना है। एक आसन का रिपीटेशन कम से कम आपको 10 बार करना है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका ब्लड आपके पेल्विक एरिया के अंदर पहुंचेगा और ऐसा रोज करने से आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। दूसरे आसन का नाम है उत्थान पादासना। उत्थान पादासना, इस आसन को करने के लिए आप जमीन पर लेट जाएं, योगासन पर दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को अपने बगल में कमर के पास रख लें, पैरों के पास। धीरे से इनहेल करते हुए दोनों पैरों को आप 90 डिग्री तक उठाएं, पंजों को मिलाकर रखें और स्ट्रेच को फील करें। यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप धीरे से नीचे दोनों पैरों को ले आएं। यदि आप इस आसन को अपने पैरों से होल्ड नहीं कर पाते, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक योगा बेल्ट का या फिर किसी चुन्नी जो घर में उपलब्ध हो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, इस प्रकार होल्ड करना है और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। इस प्रकार होल्ड करके रखें और धीरे से नीचे आ जाएं। अगला अभ्यास है मर्जरी आसना। इस आसना को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना में बैठना है। हाथों का सहारा लेते हुए वज्रासन में बैठें और अपने हाथों का अलाइनमेंट लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर रखें और इस पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों को पीछे से खोल लें, शोल्डर लेवल में दोनों पैरों को ओपन कर लें पीछे से। आप धीरे से एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। इस पोजीशन में आपको आना है, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखना है, अपने हिप्स को बाहर निकालें, एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को अपने अपर चेस्ट पर लगाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इस आसन का रिपीटेशन भी आपको 10 टाइम्स करना है। धीरे से नीचे आ जाएं। अब अगला अभ्यास है सेतुबंधासना। सेतुबंधासना को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। आप धीरे से अपने दोनों पैरों को नीज से फोल्ड करें, एंकल जॉइंट्स को यहां से होल्ड करें और धीरे से
जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठें और धीरे से नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, यहां पर 10 सेकेंड होल्ड करें और धीरे से नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर 10 सेकेंड होल्ड, नीचे अप एंड डाउन करना है आपको 10 सेकेंड होल्ड, नीचे इनहेल करें 10 सेकेंड होल्ड करें फिर धीरे से नीचे लेके आए। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने के आसन का नाम है बटरफ्लाई तितली आसना। इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मिला लें, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों के पंजों को इस प्रकार होल्ड करें, कमर सीधे रखें, शोल्डर डाउन, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार चलाना है, सामान्य श्वास रखें 10 सेकेंड तक इस प्रकार चलाएं, या फिर आप इस आसन को काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका ब्लड फ्लो आपके पैल्विक एरिया के अंदर जाएगा और ये इस प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है। के अंदर इन 5 आसनों का अभ्यास आपको मॉर्निंग में कम से कम 30 मिनट तक जरूर करना है। इन आसनों का अभ्यास रोज करने से आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, ये प्रॉब्लम एकदम गायब हो जाएगी। हर आसन का रिपीटेशन कम से कम 10 बार जरूर करें। अगर आपको ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और आप इससे रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं, जैसे योगासन के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, आपको इस प्रॉब्लम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या आपकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्योरी है, तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह आपकी बॉडी प्रॉब्लम ही हो। कई बार माइंड में ज़्यादा विचार आने से, ज़्यादा सोचने से भी कई बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे कोई भी जानकारी के लिए यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।